Assalamualaikum guys, welcome back to another video. और जैसा कि हमने पहले अनाउंस किया था कॉम्पिटिशन पतंग मेकिंग का, 4.5 घंटे की पतंग बनाई थी, तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ पतंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी और जिन्होंने अपने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मुझे ईमेल के जरिए अपनी पिक्चर्स वगैरह भेजी, तो वो मैंने आगे ऐड की है, ठीक है पतंगे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको जो लोगों ने पतंगे बनाई और इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। तो ये जी सबसे पहले आदिल ने ये बनाया 4.5 का कुब और वीडियो नहीं भेजी, सिर्फ पिक्चर ही है। तो ठीक है, वेल्डन यार, अच्छी है ये, वीडियो भेजने से बेहतर हो जाता। तो उसके बाद आके ये है जी एम अशरफ, ये एम अशरफ ने वीडियो भी भेजी है 30 सेकंड की प्रॉपर पैंती जोड़ते हुए जैसा कहा गया था और एक पिक्चर भी दी है साथ। तो काफ़ी अच्छी एफर्ट है यार, गुड है, बेहतरीन। और मेरा खास लड़का टेप से ही जोड़ रहा है, हाँ टेप से ही, वाह बेहतरीन। इसके बाद है जी, देखते हैं इसके बाद, ये जी इसके बाद FM 9211 यूट्यूब पे चैनल है भाई का। तो ये बेहतरीन उन्होंने पतंग बनाई है 4.5 की, गुड यार, अच्छी बनी ये पतंग, ये सही जा रही है, अभी तेरा डिज़ाइन डाला हुआ पेंदी का हिसाब बहुत ज़्यादा टफ होता है मेरे लिए। और काइट्स कॉर्नर की तरफ से गुड हो गया यार, अच्छी पतंग है, अच्छा डिज़ाइन है, बेहतरीन। और उसके बाद जी वाजिद है के, हाँ जी वाजिद भाई, वाजिद भाई ने बनाई है पतंग और ये क्या मेरा ख्याल से पहले तीले जोड़े हैं, सिर्फ बाद में लैदर लैदर करके लगाया, क्या किया ये पेंदी जोड़ते हुए, वीडियो बेहतरीन। गुड एफर्ट यार, अच्छी बताएंगे, नाइस 4.5 की। उसके बाद है जी ये जैन भट्ट, बेहतरीन पतंग की पेंदी जोड़ते हुए वीडियो, नुक्का भी लगाते हुए, अच्छी पतंग बनाई है यार ये भी। तीन अच्छी बताएंगे और आई बिलीव के 4.5 है, अरे भाई दो मलैदा से बांधते हुए ठीक हो गया, ठीक यार गुड एफर्ट, नाइस। इसके बाद है जी ये रोमी 4.5 का कुब, ये चेक करो यार, लड़का ग्लू स्टिक से ही बना रहा है। अब आपने अभी खप डाली हुई थी कि ग्लू बनाने का लेवी बनाने का तरीका बताया, मैंने एक्चुअली वीडियो में एक दो वीडियोस में दिखाया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मसले मसाइल रहते हैं। तो यार ये चेक करो, अगला ग्लू स्टिक से बना रहे तो आप भी ग्लू स्टिक से शुरू हो जाओ, इजिली अवेलेबल है मार्केट में, अरे कलर भी अच्छा है यार कुब का, इस डिज़ाइन को ग्लेयर कहते हैं और अच्छी बताएंगे, बेहतरीन। वाह जी वाह, काइट्स कॉर्नर गुड यार, अच्छी पतंग बनाई है, खूबसूरत। तो ये जी कामरान भाई की पतंग, मेहंदी जोड़ते वीडियो और पतंग नो डाउट बहुत खूबसूरत बनाई है, तीरा पाना अच्छा डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है और पता नहीं 4.5 की पतंग है, मुझे साइज बड़ा लग रहा था इसका। और ये जनाब एक और फरम शहजाद साहब बोला अभी सूट 4.5, खूबसूरत पतंग, बेहतरीन और बहुत साफ पतंग बनाई है, कमाल बहुत आला, दोनों भी डबल रंग में, बेहतरीन हो गया जी, बहुत आला, वेल डन। तो उसके बाद जी हसन जूनियर हसन जूनियर में 4.5 का कुब, यार ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत डाला है, ये डिज़ाइन डाला है कटिंग में एक तो, और दूसरा ये कैप्टन अमेरिका वाली थीम पकड़ी है जूनियर साहब ने, 4.5 का कुब और खूबसूरत डिज़ाइन डाला है, मुझे बहुत पसंद आया। यार
यार ये देख लो, अगर वो ये कटिंग के बगैर वाला नुक्का, ये मैंने शायद कभी किसी वीडियो में दिखाया ना हो, तो ये इस तरह से नुक्का कटिंग के बगैर वाला, एक तो कटिंग वाला होता है ना बीच में दो कट लगाते हैं, ये कटिंग के बगैर वाला नुक्का। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत डाला कोब का, मज़ा आ गया इसको देख के। तो ये जूनियर साहब ने भी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था, ऑल दो वीडियोज हमने पहले साथ किए हैं इकट्ठे, एक वो पतंग मेकिंग विद जूनियर, एक वो अफगानी डाइता हुआ, वो भी जूनियर ने बनाया था इस चैनल पर हमारे, लेकिन बहुत खूबसूरत पतंग बनाई है। थैंक्स यार पार्टिसिपेट करने के लिए। और भाइयों इसके बाद जो मैंने पतंग बनाई है, इसके बाद वो दिखाऊंगा आपको, और उसकी वीडियो वो मैं बाद में अपलोड करूंगा लहदा से, ठीक हो क्या? ये रहा जी हसन जूनियर के कुप, बहुत खूबसूरत बेहतरीन। तो ये मैंने भी तीरा पाना पहले भी एक डिज़ाइन गुजरा तीरा पाना, तो मैंने भी तीरा पाना ही बनाया था, गुलाबी और काला, 4.5 के, ठीक है। तो इसकी वीडियो मैं सेपरेटली अपलोड कर दूंगा अपनी पतंग की विद साइजेस। और गाइज मेरी नज़र में ना जिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किए वो सारे विनर्स हैं, ठीक हो गया? बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत पतंगे थी। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन, और इंशाल्लाह आगे एक और कॉम्पिटिशन भी करेंगे गुड्डो का, तो उसमें और भी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो गाइडलाइंस दी होती हैं कॉम्पिटिशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई गुड्डे का कॉम्पिटिशन रखेंगे। और थैंक यू अगेन जिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉम्पिटिशन में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।